नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। पिछले दिनों जनपद मैनपुरी के भोगांव कस्बे के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 11वीं की छात्रा अनुष्का पांडे की संदिग्ध मौत हो गई। उसका शव उसी के हॉस्टल में फांसी के फंदे पर लटका मिला था, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल की प्रिंसिपल, वार्डन और एक लड़के के खिलाफ नामजद FIR की थी। लेकिन 6 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे क्षुब्ध होकर अनुष्का पांडे के माता पिता एवं परिवारजन नगर पालिका परिषद में स्थित शहीद स्मारक पार्क में आमरण भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन अभी तक उन्हें न्याय नहीं दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी तक किसी भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अनुष्का पांडे की हत्याकांड को लेकर धरने पर बैठे उसके माता पिता के समर्थन में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के साथ कांग्रेस पार्टी के अलावा प्रगति समाजवादी पार्टी भी आ जाने से हत्याकांड को लेकर अब सियासत होने लगी है। सभी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर और जिले के प्रशासन पर उंगली उठाती हुई नजर आ रही है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आज पूरे प्रदेश में केवल अपराध का बोलबाला है। अनुष्का पांडे मात्र सिर्फ एक माध्यम बनी हुई है। अनुष्का एक मेधावी छात्रा थी, उसकी हत्या का खुलासा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और CBI द्वारा जांच की जाए। उन्होंने जिला प्रशासन पर उंगली उठाते हुए कहा कि अभी तक अनुष्का के हत्या में नामजद आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना राठौर ने BJP शासन का जमकर विरोध किया। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संकोच गार्ड भी जिला प्रशासन को छात्रा के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इधर आरोपी अजय कुमार के माता पिता सैकड़ों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आरोपी को निष्पक्ष जांच करते हुए निर्दोष छोड़ने की मांग की है और उनके माता पिता का कहना है कि उनका लड़का बिल्कुल निर्दोष है, उसका अनुष्का पांडे की हत्याकांड से कोई भी लेना देना नहीं है। आरोपी के भाई निर्मल कुमार का कहना है कि उसका भाई बिल्कुल निर्दोष है। इस संबंध में आरोपी के माँ बाप ने अपर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मैडम, जवाहर नवोदय में अनुष्का पांडे जो ना कक्षा 11 की छात्रा जो थी, उसकी हत्या का आरोप है कि हत्या कर दी गई थी, उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि जनपद मैनपुरी की निवासी मैं भी हूँ और मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि हमारे जनपद में एक लड़की की निर्मम हत्या हो जाती है और उसके बाद उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं ये समस्त समाज से निवेदन करती हूँ कि अनुष्का के न्याय के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना चाहिए और जब तक उसको न्याय नहीं मिलता है हम लोगों को चुप नहीं बैठना होगा। और दूसरा प्रश्न हमारा आपके प्रशासन से है कि जिस संस्था का पदेन अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहाँ अनुष्का से पहले 2 लड़कियाँ और जा चुकी हैं, ये अभी अभी हमारे संज्ञान में आया। कैसे जा चुकी हैं आप? ये तो मैं ये बात करके आपको बताऊंगी कि इससे पहले भी 2 लड़कियां इसी तरीके से आत्महत्या का उन पर भी आरोप लगा, 2 लड़कियां खत्म हो चुकी हैं पहले भी। हाँ, पहले भी, इसके बाद ही तीसरी बच्ची है अनुष्का। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या ये इसी तरीके का तिलिस्म चल रहा है? मैडम, क्या वजह है जो ना आत्महत्या कर लेती हैं ये लड़कियाँ, जो ये तो 2 लड़कियों ने क्यों की है हत्या? नहीं, ये प्रशासन का काम है। और अगर ये हम लोग भी, अगर एक महिला होने के नाते, लड़की क्यों होने के नाते अगर हम ये बात आगे बढ़ाएं तो यही है कि हम खुशी से तो करते नहीं है आत्महत्या। निश्चित रूप से कोई बजे रही होगी, निश्चित रूप से जब व्यक्ति इतना टॉर्चर हो जाता है, जब वो भूल जाता है कि अब वो क्या करे, तो ऐसे समय पे वो आत्महत्या कर लेती हैं। लेकिन मैं उन समस्त लड़कियों से ये अपील करती हूँ कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी उससे हारी है, और चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। ये आप हम आज से 5 साल पहले से भी, आप हमारे 6-7-8 साल पहले से जुड़े हुए हैं, मैं लगातार हमारा नारा था कि चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको माँ बाप को बताओ। हाँ, उस लड़की अनुष्का के लिए मैं आज इसलिए यहाँ पे हूँ कि उसने अपनी माँ को इस बात को संज्ञान में दिया कि प्रिंसिपल का लड़का अजय, जो ये क्लास का लड़का है अजय, जो ये एक जब ये ग्रुप में लड़कियां बैठी थी तो वो चिल्लाता हुआ जाता है कि तुमने हमारे भाई के लिए कॉल किया था जी। और उसके बाद वो अपनी माँ को फ़ोन करती है कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है और आप
आ जाइए, इन्होंने कहा कि बस मैं कल आ रही हूँ। और जब तक ये कल का दिन जब तक होता है तब तक वो लड़की डेड बॉडी के रूप में हॉस्पिटल में पाई जाती है, और उसमें भी उनके माँ बाप को सूचना नहीं दी जाती है कि आपकी लड़की को कुछ हुआ है। सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी तो यहाँ पे। और धरने पर बैठी हुई हैं। हाँ। क्या क्या मांग है? अनुष्का को न्याय मिले, जो इन्होंने आरोपियों के नाम दिए हैं उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और CBI जांच बिठाई जाए, जिससे उस संस्था की पूरी जो छवि है वो आप सबके सामने आए कि आखिर लड़कियां वहां क्यों आत्महत्या। आरोप है कि जो ना उसमें क्या ना PMA रिपोर्ट में भी फेरबदल किया गया। हाँ, ये भी अभी अभी संज्ञान में आया कि जिन लोगों ने डेड बॉडी देखी है उन्होंने ये बताया है कि उसके शरीर पे नील पड़े हुए थे, पीठ पे नील पड़े हुए थे, और उसके बाद ये भी शायद कहा है कि उसके साथ नाखून के निशान मिले, तो इसका मतलब है उसको पहले परेशान किया गया और उसके बाद तो जो होना था वो आप सब देख ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से, और आपके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई इस तरीके का निशान नहीं है, तो मैं आपसे ये भी कहती हूँ कि ऐसे डॉक्टर को डॉक्टर होने का अधिकार उससे छीन लिया जाए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? निर्मल कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? पहलूपुर। अच्छा, आपका भाई क्या नवोदय में पढ़ रहा था? जी। तो उसके ऊपर आरोप जो लगा है, क्या पूरा मामला क्या है और आप इतने लोग इकट्ठे आए हैं? अजय के ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो लड़की को परेशान करता था, सताता था, ठीक है, जबकि मैं स्कूल में जाता भी रहता हूँ, आज तक हमें ऐसी कभी शिकायत नहीं मिली है कि कभी किसी लड़की या लड़के से भी उसने लड़ाई की है, आज तक ऐसा मामला नहीं आया जब से उसका एडमिशन कक्षा 6 में हुआ है। और उस पर आज ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसने उसे सताया, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। राजनीति लोग अपना उस पर दबाव बना के उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और कुछ नहीं है इसमें सर, आज तक ऐसा कभी शिकायत नहीं आया। मैं एक भाई हूँ, मुझे पता है, आज तक अगर शिकायत आती है हमारे पास तो मैं उसको जरूर डांटता, लेकिन आज तक कभी ऐसी बात नहीं हुई। जानकारी ये मिली है कि अनुष्का ने तुम्हारे लिए कभी फ़ोन किया है कि हाँ ये तुम्हारा भाई जो ना मतलब जो ना परेशान करता है उसको? मेरे पास फ़ोन आया था लगभग 8 मार्च 2018 को जी। उसके बाद उन्होंने लड़कियों ने संपर्क बताया कि हाँ ऐसे ऐसे हम यहाँ से बोल रहे, तो मैंने कहा मेरा भाई भी वहाँ पढ़ता है जी। ठीक, उन्होंने कहा ठीक है ऐसी कि मैम से शिकायत मत करना, आज गलती से कॉल लग गई है। उसके बाद 4 सितंबर को 29 तारीख को जब अजय ने पूछा होगा तो 4 सितंबर को मुझे वहाँ पे मेरे पास फ़ोन आया टीचर का, वाइस प्रिंसिपल का, कि आपके पास कभी कॉल आई थी? मैंने कहा सर आई थी। उन्होंने कहा आपके पास नंबर है? मैंने नंबर दिया, उन्होंने वेरीफाई किया, वो नंबर विद्यालय का ही था। उसके बाद मैंने उनसे फ़ोन किया, मैंने कहा सर वहाँ आना पड़ेगा? सर ने बोला ऐसी कोई बात नहीं सर, बेटा जहाँ सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, जो आपको आना पड़ेगा। बस वहाँ तक बात हुई, उनके गार्जियंस आए थे, उन लोगों के सामने भी उनका अजय का सामना हुआ, उन्होंने माना कि हाँ कॉल गई थी, गलती हुई थी, बच्चों से दोनों से सॉरी बुलवाया गया। उसके बाद जाकर मामला वहीं ख़त्म हो गया। आज उसी दिन का उनको अजय नाम याद आ गया है। तो इस चीज़ को लेकर आप किसी बच्चे को नहीं फंसा सकते, आप सबूत ढूंढिए, आपको गलती लगे वहाँ पे फंसाइए अजय को, आप उस बेस पे नहीं फंसा सकते। आपकी गार्जियंस की अगर किसी बच्चे से मुलाकात हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं आपको नाम मालूम है तो उसका नाम रख दीजिए, ऐसा नहीं होता है। किसी बच्चे का भविष्य होता है, वो भी अपनी पढ़ाई वहाँ कर रहा है। क्या नाम भाऊजी आपका? नाम जय प्रकाश है। क्या कारण है आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हो के आए हैं? हमारे बच्चे को 11 में लबोदय में पड़ा है, उसका अपॉइंटमेंट अपने आज उसने फांसी लड़ा के खत्म हो गई, और मेरे बच्चे को नाजायज फंसाया है, मेरे बच्चा निर्दोष है। क्या नाम है आपके बच्चे? मेरे बच्चा अजय कुमार। आप लोग माता पिता हैं? जी सर। तो क्या करने वाले हैं आप, आगे क्या करेंगे? हम साहब आप भूख हड़ताल करेंगे, मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिला कल से। ये तो आपको पहले भी पता था ना कि आपके बच्चे की, आप पहले क्यों नहीं आए? पहले साहब हम जो समझते हैं मेरा बच्चा अभी ऐसे ही सब छूट जाएगा, कोई बात नहीं होगी, मास्टर लोग संतोष दिलाते हैं कि बच्चा तुम्हारा सही है सही है सही है, इसलिए हम नहीं आए। हम तो ज़्यादा परेशानी मालूम पड़ी तब आ जाए। जाती थी क्या आपके यहाँ? नहीं साहब। पर क्या नाम है आपका? क्या 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 कारण है आप आज आप लोग यहाँ पर आए हैं? हमारे बच्चे पर दोष लगाया जाता है, हमारा बच्चा निर्दोष है। कहाँ पर, क्या नाम है बच्चे का? नवोदय स्कूल में अजय पढ़ता है 11वीं। तो हमारा बच्चा निर्दोष है, उस पर दोष लगाया, आरोप लगाया जाता है। क्या आरोप लगाया गया? लड़की हाथी लगा कर मर गई है, तो बच्चे पर लगाया जाता है कि अजय ने मार दिया है। मेरा बच्चा निर्दोष है, मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो मैं घूम कर करूँगा यही ड्राइवर। नहीं तो आप लोग आज ही क्यों आए हैं? पहले भी आप आ सकते थे यहाँ पे। लोगों ने कह दी कुछ नहीं होना है, बच्चा निर्दोष है,
हम लोग यहाँ देख लेंगे। ये किसने कहा था? मास्टर लोग कहा था, मतलब कि कुछ मतलब बच्चे दो सही ना आया, जो कुछ बच्चा बाहर हो पाए। हम लोग तो आपको नहीं पता था कि बच्चे के खिलाफ FIR हो गई है? तो बताओ, हमें पता चल रही रोज ही, हम लोग जाते कि उधम करे तो फिर बे लोग उधम करें तो कहानी बढ़ने लगे, तो हम तो धान तो रहे बने। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, किन से मिलेंगे, क्या करेंगे? अधिकारियों से मिले, न्याय चाहिए हमें, हमारा बच्चा बिना मतलब हम फंसे जा रहे हो। यहाँ आप जो ना यहाँ पे आई हो तो दुनिया पार्क में इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी समाज के लोग हैं, क्या किसी आला अधिकारी से आपने बातचीत की पहले? और साहब, अनुष्का की हत्या को लेकर पूरा मैनपुरी जो है ना इस समय आग में जल रहा है और आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है, क्या कारण है, क्या कहेंगे सर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसके लिए हम सभी मैनपुरी वासी, विशेष तौर पर हमारी पार्टी और हमारे कांग्रेस जन सब साथ इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ हैं, और निश्चित तौर पर इसमें जिला प्रशासन दोषी जरूर है, जो इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अभी तक उसके कान पर जूनी रह रही है और कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया है। CBI की जांच की मांग की बात की, अभी आपने बताया कि पत्रक नहीं दिया गया है, ऐसे घटनाओं में पत्रक देने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उसके लिए उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि CBI जांच तुरंत कराई जाए। और जब परिवार के लोग या मैनपुरी जनपद के वासी इस बात को कह रहे हैं कि उसके संग गलत हुआ है, तो उसको दूध का दूध और पानी का पानी करने में क्या दिक्कत आ रही प्रशासन को? हमारा पूरा मैनपुरी जनपद ही नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा देश आज उस बेटी के साथ है जिसके गलत तरीके से हत्या हुई है। दुष्कर्म की जो घटनाएं आ रही हैं ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आज और जनपदों में होता रहा, आज हमारे मैनपुरी जनपद में भी ऐसा हो रहा है। जानकारी मिली है कि नवोदय विद्यालय में और भी दो लड़कियां भी इसी तरह से टॉर्चर की गई हैं और उन्होंने भी आत्महत्या की गई है, क्या कहेंगे? जानकारी तो ये भी मिली है कि विद्यालय के अंदर ड्रग भी लिए जाते हैं और अनैतिक कार्य भी होते हैं। ये विद्यालय पिछले 2-3-4 सालों से गलत रास्ते में चला गया, यहाँ का प्रशासन, विद्यालय का प्रशासन उस कामों में अपनी सहभागिता प्रतीत भाग करता है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।